हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि एल नाम वाले जातक एवं जेड नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एवं वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एल नाम वाले जातक एवं जेड नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता की कमी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन दोनों की अपने अपने जीवन में इनकी जो भी आवश्यकताएं होती है, इनकी जो भी जरूरतें होती है, वो एक दूसरे से अलग होती है। वैसे इसके अलावा यदि हम जेड नाम वालों की बात करें तो जेड नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा धैर्यवान होते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करते हैं। अगर किसी भी काम को करना है तो काम को करेंगे, लेकिन उस काम को करने से पहले उसके बारे में सारी बातों को पता करते हैं। उस काम की सकारात्मक बातें, उस काम की नकारात्मक बातें, दोनों बातों को पता करते हैं एवं उसके बाद दोनों बातों पर विचार करते हैं एवं इसके बाद ही कोई भी फैसला करते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम एल नाम वालों की बात करें तो एल नाम वाले जो भी जातक होते हैं इनको अपने जीवन के यात्रा में जोखिम लेना, रिस्क लेना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये कभी भी अपने जीवन में कोई भी जोखिम लेने से, कोई भी रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। मित्रों, एल नाम वाले जातक एवं जेड नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में वैदिक बाबा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय माँ दुर्गे आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।